के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फर्जी शख्स लाइसेंस मामले में फरार चल रहे पूर्व अतलहा बाबू एवं फर्जी लाइसेंस धारक सपा नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए फर्जी लाइसेंस और एक पिस्टल, एएसपी ने किया खुलासा। शातिर बदमाश ने विवाहित महिला से की टप्पेबाजी। सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। नगर निगम कार्यकारी समिति की आयोजित हुई 9वीं बैठक, योजनाओं और विकास कार्यों की गई समीक्षा। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कैंट थाना पर समाधान दिवस का किया गया आयोजन। पीड़ितों के मामले के निस्तारण के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग से निकाले जा रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का आंदोलन हुआ स्थगित। कर्मचारियों के संविदा में एक महीने का किया गया इजाफा। अधिवक्ता परिषद ने दीवानी कचहरी में आयोजित किया हिंदी पखवाड़ा पर संगोष्ठी, किया गया हिंदी भाषा पर चर्चा। जेल में सुधारात्मक पुलिसिंग के तौर पर हो रहे कार्यों की श्रृंखला में जिला जेल के में कराया गया सुंदरकांड का पाठ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय जयंती एकात्म सप्ताह के तीसरे दिन दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर स्लोगन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और जिला फुटबॉल लीग में एफसी गोरखपुर ने यूपी पुलिस को और एनईआर ने यंग बॉयज चरगामा को हराकर पहुंची फाइनल में। 22 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच।